अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एनम फूड। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारे डिश का नाम है काफ्ता कबाब। ये पर्शियन कबाब हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही जूसी अंदर से हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, ईद की रौनक को दुबाला कर देंगे। इसको ज़रूर ट्राई करें, दिल करा भी उठा के खा लूँ, इसलिए मैं बार बार पकड़ रही हूँ उसको। चलो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। एक प्याज लेंगे, इसको चॉप कर लेंगे। अब इसका जो पानी है, प्याज ने जो पानी छोड़ा है, इसको निकाल लेंगे स्क्वीज करके। दोबारा चॉपर को सेट करेंगे, इसके अंदर ग्रीन चिली डालेंगे, दो ग्रीन चिली डाली मैंने, इसको दोबारा चॉप करेंगे। इसके साइडें नीच साफ करें ताकि दरमियान में रहे सारा मटेरियल। अब इसमें कीमा डालेंगे मटन का, 400 ग्राम है ये विद फैट, इसको दोबारा चॉप करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, कोई भी बना सकता है। अब इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे हाफ कप। ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप डबल रोटी के 2-3 पीस भी डाल सकते हैं। अब इसको चॉप दोबारा चॉप करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। कुटी लाल मिर्च डालें 1 टीस्पून, काली मिर्च डालें लाल हाफ टी स्पून, नमक डालें 1 टीस्पून, अदरक का लहसुन का पेस्ट डालें 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर मेन इंग्रेडिएंट है जो इसको जूसी और फ्लफी बनाएगा। इसको चॉप करके दोबारा हल्का सा फैलाएं इसको, और इसमें धनिया डाल दें 2 टेबलस्पून। हल्का सा दोबारा चॉप करें। अब इसको एक चॉपर से निकालें, देखें कितना जूसी हो रहा है। फैट ने इसको अच्छी तरह बाइंड कर दिया है, और रहता हुआ काम जो ब्रेड क्रम्स ने कर दिया, क्रम्स अच्छी तरह चॉपर को साफ करें। देखिए फैट साथ लगा हुआ है उसके, अच्छे से निकालें इसको। एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें, चाहें तो उसी वक्त भी बना सकते हैं। 4-5 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल डालें फॉर फ्राई, पानी लगाएं हाथों पे और कबाब बनाएं। कबाब को अपनी पसंद की शेप दें, मैंने उल्टे सीधे शेप दी, उल्टी सीधी नगेट्स बना दी मैंने। इसको आप राउंड में भी बना सकते हैं, ये मैंने थोड़ा चिपटा बना लिया टिक्की की तरह। अब 4-4 मिनट के लिए दोनों साइडों से इसको पकाएं। आँच आपकी हल्की होनी चाहिए, मैंने थोड़ी तेज कर दी थी। अब साइड चेंज करें और 4 मिनट के लिए इधर से भी पकाएं। और रायता सलाद के साथ, रोटी के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार कबाब, जरूर ट्राई करें, ईद की रौनक दुबाला करें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल।